नमस्कार, ठीक बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राहुल शर्मा। तो सीधी लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ सेक्टर 7 रतकल पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर हादसा, गाड़ी आपस में यहाँ पर टकरा चुकी है। जी हाँ, दोनों गाड़ी आपस में टकरा चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल आगे से बिल्कुल डैमेज यहाँ पर हो चुकी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा यहाँ से डैमेज। मगर यहाँ पर जान माल का कोई नुकसान, जहाँ जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर किसी को चोट नहीं लगी है। गाड़ी का नंबर हम आपको बता देते हैं, HR 78B 6838। ये गाड़ी देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो सीधी लाइव तस्वीरें हमारे तमाम व्यूवर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा। तो सीधी लाइव तस्वीरें हमारे तमाम व्यूवर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं यहाँ पर सेक्टर 7 में पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट, जहाँ सेक्टर रतकल वाले पेट्रोल पंप के हम बिल्कुल अपोजिट की आपको सीधी खबर दिखा रहे हैं, HR 78B 6838। तो दूसरी गाड़ी भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जो दूसरी गाड़ी आपस में दोनों बीट हो गई, आपस में दोनों टकरा गई। ये गाड़ियां जो है तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों गाड़ियां, जी हाँ दोनों गाड़ियां हम आपको दिखा देते हैं, HR 07J 9990। एक गाड़ी का नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर। तो रतकल पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर पीपली रोड पर हुआ एक, यहाँ पर आपस में गाड़ी जो है वो टकरा चुकी है यहाँ पर, मगर जान का कोई भी यहाँ पर यहाँ नुकसान नहीं हुआ है, मगर गाड़ी आपस में दोनों डैमेज यहाँ पर हो चुकी है। तो पीपली रोड पर, जहाँ पीपली रोड पर हम आपको हादसा यहाँ पर दिखा देते हैं, किस तरह से आपस में ये दोनों गाड़ियां यहाँ पर बीट हुई, और रास्ते में जो है, रास्ते में हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पर गाड़ी के कांच वगैरह यहाँ पर गिरे हुए हैं। जो गाड़ी के कांच वगैरह, ये चलता रोड, अब हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें हमारे तमाम ऊपर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी के कुछ पार्ट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, किस तरह से गाड़ी जहाँ आपस में यहाँ पर टकराई इसी रोड पर, जहाँ रोड तो यहाँ पर बन चुके हैं, मगर गाड़ियां आपस में टकराना, जी हाँ गाड़ियां आपस में टकराना, मगर एक भयंकर हादसा यहां पर होते होते बच गया, मगर किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। जी हाँ, जान का नुकसान नहीं हुआ, शुक्र है परमपिता परमेश्वर का, यहां पर किसी को चोट नहीं आई है। गाड़ी तो दोनों नुकसान जो है, दोनों डैमेज हो चुकी है आगे से, मगर यहाँ पर देख सकते हैं इस बताया जा रहा है जी, इस खंभे में यहाँ पर बताया जा रहा है, इस खंभे में यहाँ पर गाड़ी यहाँ पर टकराई है, इस चौकट पर यहाँ पर देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। तो गाड़ी के कुछ पार्ट्स जो आगे के जो पार्ट्स है, बंपर वगैरह यहाँ पर टूट चुके हैं, और जो कांच वगैरह शीशा वगैरह है वो सभी यहाँ पर टूटकर नीचे यहाँ पर सड़क पर गिर चुका है। स्टीक बात न्यूज आपको हर पल लाइव अपडेट यहाँ से दिखाता रहेगा जी, स्टीक बात न्यूज सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्टर 7, यहाँ सेक्टर 7 के रतकल पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट, जहाँ दोनों गाड़ी है। जो दूसरी गाड़ी हम आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पर मौके पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर पहुंच चुका है। दोनों बैलून्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो दोनों बैलून्स यहाँ पर जो सेफ्टी के लिए होते हैं, दोनों यहाँ पर खुल चुके थे। तो हम आपको अंदर की यहाँ पर तस्वीरें सीधी दिखा देते हैं यहाँ पर किस तरह से, तो अंदर दोनों देख सकते हैं एयरबैग यहाँ पर दोनों खुल चुके थे, मगर सेफ्टी यहाँ पर दोनों की हो चुकी है, सेफ्टी यहाँ पर दोनों की यहाँ पर हो चुकी है, मगर दोनों गाड़ियों वालों को मगर चोट नहीं आई है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं दोनों को चोट नहीं आई है, मगर गाड़ी आगे से बिल्कुल दोनों गाड़ियां यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। तो हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, जो गाड़ी ओनर है किस तरह से यहाँ पर टक्कर लगी, और किस तरह से यहाँ पर गाड़ी ओनर कौन है, तो सर क्या बताएंगे किस तरह से टक्कर लगी यहाँ पर? ऐसे सर, मैं यू टर्न ले रहा था यहाँ से, ये गाड़ी ओपोनेंट दूसरी साइड से आ रहा था, तो वो नशे की हालत में इतने है कि उसको ये नहीं पता कि गाड़ी चलेगी कैसे, चलेगी कैसे नहीं। पार्टी कौन सी है जो नशे में, वो मुझे नहीं पता कौन है, अननोन पर्सन है कोई, अभी उसको पुलिस वाले ले गए हैं, देखते हैं कौन है, पता कर रहे हैं उसके बारे में। हाँ, उनको पता, पर वो नशे के हालात में इतना था। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं इधर ही यहाँ से यू टर्न ले रहा था। हाँ जी, अच्छा। बिल्कुल, वो इधर से आ रहे थे सामने से, कैथल वाली साइड, बस स्टैंड वाली साइड से। हाँ, अब मैं दूसरी साइड से यू टर्न ले रहा था। हाँ, बीचों बीच में उन्होंने आके बिल्कुल बीचों बीच कार मारी। जान तो बच गई जी, पर जिस हालात में वो बंदा था, वो तो जान भी ले लेगा किसी ना किसी की। चलो मैं तो बच गया, बहुत ज्यादा उसको ज्यादा नशे में था, बहुत ज्यादा उसको गाड़ी में से पुलिस वाले बहुत मुश्किल से ले गए हैं उतार के। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ओनर है गाड़ी के, वो बता रहे हैं नशे में, जी हाँ बिल्कुल नशे में यू टर्न में गाड़ी यहाँ से कर रहा था। जी हाँ, वो वहां से कैथल बस स्टैंड की तरफ से यहाँ पर, जो पुराने बस स्टैंड की तरफ से यहाँ से आ रहे थे इस तरफ से, मगर वो जो दूसरा भाई है वो यहाँ से यू टर्न यहाँ से कर रहा था, मगर यू टर्न करते करते सेक्टर 7 के रतकल पेट्रोल पंप के सामने। सर क्या कहना चाहेंगे, नशे में थे लोग, और कह रहे हैं ओनर कह रहे हैं गाड़ी वाले जो नशे में थे, क्या करेंगे? इसकी जांच करेंगे, जांच के बाद मैं अभी बताएंगे, अभी तक तो हम मौका पर।
आपको भी भाई वो नशा क्यों हो गया, शराब क्यों उन्होंने मौका पर पहुंचे से उसके बाद मेडिकल कराएंगे उससे पता चलेगा। जैसे वो मौका वारदात गई उसके मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। जान भी जा सकती है किसी की इतनी लापरवाही से, जो गाड़ी वो चला रहे थे लोग जो नशे में बताए जा रहे हैं, जो दूसरी गाड़ी का ओनर है वो बता रहे हैं, तो क्या कार्रवाई करेंगे भाई? उस जो जायज बनेगी कार्रवाई वही करेंगे ना, उसके मुताबिक देखेंगे, हालात देखेंगे, एक्सीडेंट देखेंगे, गलती किसकी है, कौन सी साइड से कौन आ रहा था, क्या था। जायजा तो सर आपने अभी लिया होगा। अरे ऐसा आप भी मौके फटे, हम भी फटे हैं, आप देख लो भी कैसा जायजा, आप भी बता दो भी किसकी क्या बनती है। नहीं हम क्या बताएं, हम तो सर ओनर जो यहाँ पर खड़े तो उनसे पूछे सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एसआई, आप एसआई हो सर? हाँ जी। अच्छा सब इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है सर, क्या कहना चाहेंगे गाड़ी के जो है वो कह रहे हैं नशे में, क्या कहना है? ठीक है सर, अभी वो लेके चौकी में ले गए उनको, अब देखते हैं वहां जाके ना, अभी देखते हैं नशे में है किस चीज में है, अभी देखते हैं जाके सर उसको। ये तो नशे में सर कार्रवाई, बिल्कुल सर जो मुनासिब कार्रवाई है वो की जाएगी सर इसमें। ठीक है सर, गुलजार सिंह एसआई सर। गुलजार सिंह एसआई साहब कह रहे हैं जी, गुलजार सिंह जी कह रहे हैं जी, गुलजार सिंह जी कह रहे हैं अगर जो नशे में हुए तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से यूटर्न, जी हाँ यूटर्न, एक भाई जो बता रहा था जो गाड़ी का ओनर है, यूटर्न यहाँ पर कर रहा था, मगर यूटर्न करते करते जो है जिस तरह से जो नशे में जो लोग थे वहां पर, जो नशे वाली जो गाड़ी है वो ये वाली थी सर। अच्छा ये वाली है, जिन भाइयों ने जो नशा किया हुआ था जी, HR07J9990 जी, यहाँ गाड़ी देख सकते हैं यहाँ पर जो ओनर है गाड़ी के, जो दूसरे गाड़ी के ओनर है वो बता रहे हैं यहाँ पर HR07J9990 वाले गाड़ी ने जहाँ इन्होंने नशा किया हुआ था। कितने सर, कितने लोग थे यहाँ पर सर, कितने लोग थे ये, कितने लोग थे ये यहाँ पर? नहीं नहीं गाड़ी में कितने लोग थे, गाड़ी में कितने लोग थे इसमें? एक ही है अकेला। कहाँ का रहने वाला सर वैसे, कहाँ का रहने वाला? अभी पता नहीं है कहाँ का रहने वाला है जी, अभी यहाँ पर पता नहीं है कहाँ का रहने वाला है। तो दोनों गाड़ियों के जो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से, एक गाड़ी तो बिल्कुल ही आगे से डैमेज यहाँ पर हो चुके हैं। हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ठीक बात मुझे आपको सीधी लाइव अपडेट यहाँ से दिखा रहे हैं, Sector 7 रतगल जो पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर जी, अपोजिट यहाँ पर दोनों सड़कें तो यहाँ पर बन चुकी है। पहले लोग कहते थे सड़कों के कारण एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं, मगर अब तो दोनों सड़कें यहाँ पर बन चुकी है। मगर नशा, जी हाँ नशा करके यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर गाड़ी जो आपस में बीट हो गई, दोनों गाड़ी आपस में टकराई है। आमनी सामनी जो है, एक तरफ से व्यक्ति यू टर्न कर रहा था, दूसरी तरफ से गाड़ी उसने बहुत तेज होके, देख सकते हैं आप एक्सीडेंट देख सकते हैं कितना यहाँ पर खतरनाक एक्सीडेंट है। मगर यहाँ पर किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। अगर जो पहले गाड़ी वाला जो ओनर है वो कहता है अगर जो इनका तो बस चलता, ये लोगों को मार देते जिस हिसाब से गाड़ी यहाँ पर चला रहे थे, तो दूसरी गाड़ी है जब देख सकते हैं यहाँ पर HR07 9990 जी हाँ, इसने टक्कर मारी है दूसरी गाड़ी का, जी हाँ दूसरी गाड़ी का, दोनों गाड़ियों का हाल बेहाल, आगे से हाल बेहाल हो चुका है। तो सीधी लाइव तस्वीरें हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा। मौके पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन, हमारे ASI साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा है यहाँ पर जो भी यहाँ पर जिसकी भी गलती होगी उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर जो भी सजा का प्रावधान होगा हम उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, अगर नशे में हो उनका मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल करा के उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मगर उसको Sector 7 वाली चौकी में ले जाया जा चुका है, जी हाँ Sector 7 चौकी में ले जाया चुका है, जिसने नशा करके जो गाड़ी का जो एक्सीडेंट यहाँ पर किया हुआ है। जी गाड़ी का दोबारा हम नंबर दिखा देते हैं, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट बड़ा जबरदस्त यहाँ पर हुआ, HR78B6838 जी हाँ HR78B6838। तो देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल दोनों तरफ से यहाँ पर आगे से, ये दोनों गाड़ियां आगे से बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। मगर आज कल जो है यू टर्न करते हुए भी जहाँ सड़क पर चलने का कोई भी दीन धर्म नहीं है, मगर जो लोग गाड़ी जो नशे में चलाते हैं, जी नशे में चलाते हैं, उनसे ठीक बात मुझे अपील करता है, कृपा करके गाड़ी जो है वो आप सूफियाना चलाइए, मगर नशा करके गाड़ी मत चलाइए। जी हाँ नशा करके, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति गाड़ी जो चला के घर जा रहा है वो भी घर वाले उसका इंतजार करते हैं। जी हाँ सुबह से शाम को घर निकलता है, घर वाले उसका इंतजार करते हैं। अभी हमारा जो व्यक्ति है, घर का जो व्यक्ति है, वो घर से बाहर निकला और घर पे वापिस आएगा, मगर इनको क्या पता था अभी यहाँ पर रास्ते में ऐसा कैसा हो जाएगा। मगर जो नशेड़ी टाइप के जो लड़के हैं यहाँ पर जो नशा करते हैं, नशा करके गाड़ी चलाते हैं, उनका यही हाल होता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये नशा करके, जी हाँ नशा करके गाड़ी चलाने वालों का हाल हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, किस तरह से शराब पीकर जो किस प्रकार से नशा यहाँ पर किया हुआ है, और नशा करके जो दोनों गाड़ियां आपस में जो बीट हो चुकी है,
दूसरा व्यक्ति तो सूफी था, जी हाँ सूफी था, उसने कोई नशा नहीं किया हुआ है। पहले व्यक्ति को जिसने नशा किया उसको पुलिस प्रशासन यहाँ से ले गई है गाड़ी में बिठाकर। तो बने रहिए इस ठीक बात सीधी बात पर, और तमाम खबरों के साथ मिलते हैं आपको। राहुल शर्मा के साथ धन्यवाद।